द विंग्स क्लब. मेरा नाम है वितिका एंड आई मेक वीडियोज रिगार्डिंग फैशन, ब्यूटी, मेकअप एंड लाइफ स्टाइल. एंड टुडेस वीडियो इज गोना बी अ सरोजनी नगर हॉल. सो आई रिसेंटली वेंट टू सरोजनी नगर एंड आई ट्राइड टू व्लॉग इट एज वेल, बट आई क्लियरली फेल्ड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉजंट एबल टू व्लॉग इट बिकॉज आई वॉज फीलिंग nervous, I think. So I'm gonna vlog it next time because I'm not gonna upload that video. It is a disaster. And I'm gonna surely show you my favorite shops and my favorite ladies in Sarojini Nagar. So I went to Sarojini Nagar to shop for my best friend and myself as well. But sari shopping ho nahi pai, isliye I'm gonna go again. शॉपिंग इसलिए नहीं हो पाई सारी क्योंकि 2 बजे के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी. मैंने प्रेफर किया सुबह जाना क्योंकि उस टाइम पे भीड़ ज्यादा नहीं होती. तो अगर आप सोच रहे हैं सरोजनी नगर जाने के लिए तो जरूर जल्दी जाइए, लाइक 11 बजे तक मार्केट खुल जाती है सारी, तो यू शुड गो अराउंड 11 एंड जल्दी से शॉपिंग करके भागाओ बिकॉज 2 बजे के बाद बहुत भीड़ हो गई थी एंड चलने तक की जगह नहीं थी एंड इट वॉज वेरी रिस्की. सो वी केम बैक एंड वी आर गोना गो again and we are gonna go again. So without any further ado, I'm gonna show you what all I have bought from Sarojini Nagar and I've shopped a lot and I'm just gonna show only my things that I've bought for myself, not my best friends because bahut lambi video ho jayegi because mera hi saman kafi zyada hai. So let's start. This is the first thing that I've bought from Sarojini Nagar. This is a bralette and I bought I think 7 or 8 bralettes. 6 were for my best friend and 2 were for myself. So हमें 180 का पड़ा because हमने 6-7 साथ में लिए इसलिए सस्ता पड़ा. Otherwise अगर आप 1 या 2 लेते हैं तो maybe आपको 200 to 250 के बीच में पड़ेगा. But you can always bargain in Sarojini Nagar and always try to bargain. The next bralette that I have shopped is this one. I find it really cool. I can wear it with a jeans, I can wear it with a skirt, I can wear it while working out or dancing. So this is a really good bralette. The material is good and it was also for 180 rupees and it is, there is something written on it that is continue. So I really like the color and बहुत सारे color options मिल जाएंगे और बहुत सारे designs options भी मिलेंगे bralettes के. काफी अच्छा collection था bralettes का इस बार, so I really liked it and this is one of my favorite bralettes. So coming on to the night sets, मैं बहुत ज़्यादा excited थी night sets के लिए. मैंने expect नहीं किया था कि इतने अच्छे night sets मिलेंगे. जो आजकल SSS street style store पे भी मिल रहे हैं वही same night sets आधे रेट पे सरोजनी नगर पे मिल रहे थे. इनफैक्ट मैंने SSS से ऑर्डर भी किया था बट SSS की डिलीवरी इतनी लेट है कि वो 2 महीने बाद आया एंड उसी दिन मैं सरोजनी नगर जा रही थी. सो आई डिडंट टेक दैट ऑर्डर बिकॉज कोई पॉइंट नहीं था कि मैं इतने एक्सपेंसिव नाइट सेट्स लूँ. तब हम बाहर नहीं जा सकते थे शॉप करने, तो मैंने SSS से शॉप कर लिया था. बट मैंने आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर डिलीवरी टाइम एंड देयर प्रोडक्ट एज वेल क्योंकि मैंने एक हील्स भी ऑर्डर की. ये तो बिल्कुल ही अलग ही स्टोरी है व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद SSS एंड आई एम गोना टेल यू इन माई अदर वीडियो, नॉट राइट नाउ बिकॉज काफी लंबा हो जाएगा. सो कमिंग ऑन टू द नाइट सेट्स दैट आई शॉप फ्रॉम सरोजनी नगर, फर्स्ट वन इज दिस. So there's a deer print on this whole set. This is a top and it has buttons. It is a shirt like top and then there is the shorts with a tie up with and ye meko pada tha I think 200 rupees ka ye set and I bought one more set for my mom. The second set is this one, Tom and Jerry print. I really really loved it. मतलब मैंने देखते ही सोच लिया था कि मुझे चाहिए, बट मैंने एक दो शॉप्स पे बार्गेन करने की भी कोशिश की थी बट वो 350 के नीचे जा ही नहीं रहे थे कोई भी शॉप पे. तो 350 इज द लास्ट प्राइस जिसपे आपको ये सेट्स मिल सकते हैं. फुल स्लीव्स वाले वो तो मुझे 200 में मिला था बट ये फुल स्लीव्स वाले एंड इट हैज अ पजामा विद इट. इसमें भी टॉम एंड जेरी प्रिंट ही है, सेम प्रिंट है एंड आई रियली लाइक्ड इट. 350 में भी अच्छी क्वालिटी है एंड काफी अच्छा है बट आई ऑलवेज ट्राई टू बार्गेन सो कांट हेल्प इट. बट दिस इज रियली गुड स्टफ एंड आई रियली लाइक्ड इट. So moving on, I bought this skirt which is olive green in color and it has a zipper in front of it and there's this elastic.
तो ये काफी अच्छे से फिट हो रहा है मुझे एंड ये मुझे शायद 100 rupees का पड़ा था. यस देयर वाज दिस स्टॉल जहाँ पे 100 rupees में बहुत सारी स्कर्ट्स थी, शॉर्ट्स थे एंड 100 rupees ईच था. सो आई रियली लाइक इट एंड आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ और इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है. सो आई रियली लाइक दिस स्टफ. नेक्स्ट अप इज दिस रेड हाई नेक एंड आई ओनली गॉट इट फॉर 100 rupees. देयर वॉज दिस स्टॉल जहाँ पे 100 rupees में ही सारे विंटर वेयर, स्वेटर, जैकेट्स वगैरह मिल रहे थे. जैकेट्स नहीं, स्वेटर, श्रग्स एंड ऑल वुलन चीजें मिल रही थी एंड आई गॉट इट फ्रॉम देयर एंड आई रियली लाइक इट स्टफ एंड काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड 100 rupees में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. सो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस. Next up is again a sweater. It is slightly thin. Fabric थोड़ा सा thin है इसका. ये भी 100 rupees का था. It is in my favorite color, which is lilac. And I really, really loved it. This is one of my favorite things in this haul because I am obsessing with lilac nowadays. तो ये काफी अच्छा लगा मुझे. And इसका fabric बस थोड़ा सा पतला है, but it's good. I can layer it with jackets or some inner wear and it will look good. Next up is this shrug kind of thing. यहाँ पे tassels लगे हुए हैं. I don't know से tassel बोलेंगे या क्या, but जो भी है लगा हुआ है. And it has a belt as well, fabric belt. And I really like the color combination. बस मैंने इसको color combination की वजह से लिया because मुझे काफी अच्छा लग रहा था and I think when I wear it, it will look very very good. And winters में काफी काम आएगा ये because fabric बहुत मोटा है तो बहुत गर्म रखेगा body को. So I loved it. So the next thing that I got is this black color shorts to wear under dresses. मुझे बहुत जरूरत थी shorts की and quality भी काफी अच्छी लग रही थी तो I bought it. I think it was for 200 rupees, I guess 200 to 250 के बीच में होगा, मुझे exact rate याद नहीं है but हाँ इसी के बीच पे होगा. मैंने दो colors लिए, एक skin color and एक black color, दोनों ही 200 से 250 के बीच में होगा. एंड बट इसका स्टफ इज डिफरेंट देन दिस स्टफ. ये इससे काफी थिक है, स्किन वाला काफी थिक है, ये पतला. आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. रेट तो दोनों का सेम ही बताया था. सो कमिंग ऑन टू द जैकेट्स दैट आई बॉट दिस टाइम इज द फर्स्ट वन इज दिस रेड कलर जैकेट. आई रियली वांटेड अ डेनिम जैकेट इन डिफरेंट कलर्स. नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो मैं और भी कलर्स मिलूंगी. वहां पे बहुत अच्छी वैरायटी थी डेनिम जैकेट्स की, अलग अलग कलर में, येलो, पिंक, ग्रीन, रेड, मतलब हर एक कलर मिल जाता है आपको, ब्लैक भी. आई विल श्योरली बाय वन ब्लैक जैकेट नेक्स्ट टाइम. मैं खरीद नहीं पाई थी बिकॉज उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट दिस वन इज रियली गुड. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड फैब्रिक भी अच्छा खासा मोटा है तो ये ऑब्वियसली वॉर्म रखेगा बॉडी को. एंड इट वॉज फॉर आई थिंक 300 rupees. उन्होंने मुझे प्राइस 550 बताया था बट ऑब्वियसली आई बार्गेन्ड एंड आई गॉट इट फॉर 300 or 350 rupees. सो नेक्स्ट अप इज माई फेवरेट जैकेट अमंग दीज थ्री इज दिस वन. दिस इज अ बॉम्बर जैकेट और ये जैसे ही मैं मार्केट में घुसी थी मुझे दिख गए ये दोनों, रेड और ये. सो आई रियली वॉन्टेड टू टेक इट बिकॉज काफी ज्यादा अच्छा है ये देखते ही एंड आई डोंट थिंक ये पूरे सरोजनी नगर में दोबारा मुझे मिलता. रेड डेनिम जैकेट तो मिल जाता बट ऐसा स्टफ आपकी कभी कभार किस्मत अच्छी होती है तो ही मिलता है, हमेशा हर शॉप पे नहीं दिखेगा आपको. तो मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था एंड आई बॉट इट. एंड आई थिंक मैंने 450 rupees में या 400 rupees में दोनों जैकेट्स लिए थे, 450 में आई थिंक. तो 450 में मुझे ये दोनों पड़े थे. दिस इज लाइक एन ओवर साइज जैकेट और मुझे ओवर साइज जैकेट, ओवर साइज शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट काफी पसंद है और आई थिंक मेरी बॉडी टाइप पे अच्छे भी लगते हैं. तो आई बॉट इट एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस वन. नेक्स्ट अप इज अ वेरी बेसिक वन विच इज अ बेसिक डेनिम ब्लू जैकेट विच इज इन लाइट ब्लू. मेरे पास डार्क कलर में था बट लाइट ब्लू में नहीं था एंड आई वॉन्टेड अ क्रॉप जैकेट एज वेल. तो मैंने ये वाला जैकेट लिया एंड इट वॉज फॉर आई थिंक 250 rupees एंड द क्वालिटी ऑल्सो लुक्स गुड एंड 250 rupees में डेनिम जैकेट इज वेरी रीजनेबल. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड परचेज. मूविंग ऑन टू द बॉटम्स, तो मैंने ज्यादा बॉटम्स लिए नहीं है इस बार बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का लेने वाली हूँ.
तो मेरे पास डेनिम्स काफ़ी ज़्यादा है बॉटम्स में, बट मेरे पास ट्राउजर्स कम है एंड कलर्स भी कम है. सो आई ट्राई टू शॉप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिस टाइम. वन वॉज दिस ग्रीन, विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट हैज़ इलास्टिक इन इट, इलास्टिकेटेड वेस्ट है इसकी एंड बेल बॉटम ट्राउजर्स हैं. क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक थिक है, सी थ्रू नहीं है. एंड ये मैंने लिया था 150 में या 200 में, 150 से 200 के बीच में होगा. नेक्स्ट अप इज दिस ट्राउजर विच इज रेड इन कलर एंड इट हैज अ व्हाइट लाइनिंग ऑन इट, लुक्स लाइक अ फॉर्मल पैंट. सो आई कैन वेयर इट इन बोथ वेज, बट वन डिसअपॉइंटमेंट इज दैट आई थॉट इट इज अ हाई वेस्टेड ट्राउजर. वहाँ के वेंडर्स बहुत अच्छी तरीके से आपका बेवकूफ बना सकते हैं बोल के कि ये हाई वेस्टेड है, हाई वेस्टेड है, एंड आप सही में फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि हाई वेस्टेड है या नहीं, बिकॉज इट्स लाइक इट्स नॉट लो वेस्ट, इट्स मिड वेस्ट थिंग. बट आई डिडंट लाइक इट बिकॉज मुझे हाई वेस्टेड ट्राउजर्स ही है वही अच्छे लगते हैं, बट इट्स नॉट हाई वेस्टेड, इट इज मिड वेस्ट. इट वॉज फॉर आई थिंक 200 रुपीज और 150 रुपीज, या फिर मैंने 300, मैंने एक ही जगह से ये दोनों ट्राउजर्स लिए थे एंड आई थिंक ये मैंने 350 में या 300 में दोनों ट्राउजर्स लिए थे. नेक्स्ट अप इज दिस क्यूट लिटिल डेनिम रग शॉर्ट्स विच हैज दिस पिंक कलर हेयर एंड हेयर ऑफ वाइट थिंगी. आई रियली लाइक इट, लेकिन मैंने अभी इसको पहन के नहीं देखा एंड आई थिंक ये उन्हें छोटा पड़ेगा. लेट्स सी कि ये कैसा लगता है, बट आई रियली लाइक इट, मतलब आई थिंक इट विल लुक गुड ऑन मी अगर ये मेरे को फिट आया तो. अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली आई गिव इट टू समवन एल्स जिसको ये आ जाए. एंड द लास्ट क्लोथिंग आइटम दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर इज ट्राउजर, दिस क्यूट ट्राउजर विच हैज दिस पिंक रिबन इन इट एंड इसमें पिंक लाइनिंग्स भी है विच मेक्स इट लुक सो क्यूट. एंड ये सिर्फ मुझे 120 रुपीज़ का मिला था. देर वॉज अ शॉप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल में चीज़ें मिल रही थी, 100 से लेकर 150 200 तक की चीज़ें मिल रही थी, टॉप्स, शर्ट्स, स्वेटर्स एंड पजामाज लाइक दिस. एंड वहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट पजामाज थे, सिंपल कलर्स में थे बट बहुत क्यूट थे. सो आई रियली लाइक दैट, इट्स वेरी कम्फी. एंड सो दैट वॉज इट फॉर द क्लोथिंग आइटम्स. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सेसरीज, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ज्वेलरी तो मैंने इस बार लिया ही नहीं है. सो द फर्स्ट एक्सेसरी दैट आई बॉट इज दिस शेड्स विच इज ब्लू इन कलर. ऐसे मेरे पास मरून कलर में सेम थे जो मैंने पहले लिए थे. आई गॉट इट फॉर 150 रुपीज एंड वो मरून वाले अच्छे थे तो आई थॉट कि दूसरे कलर में भी ले लेते हैं. इसमें और भी 3-4 शेड्स थे एंड शेड्स की वेराइटीज भी काफी अच्छी थी. नेक्स्ट आइटम इज नॉट माइन, आई गॉट इट फॉर माई बेस्ट फ्रेंड विच इज दिस पर्स एंड इट वॉज फॉर 350 रुपीज, बट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि वहाँ का पर्स का कलेक्शन भी काफी अच्छा है, इससे भी अच्छे अच्छे बैग से, पर उसको ये पसंद आया फोटो में, आई डोंट नो वाई. ये भी अच्छा है बट इससे भी अच्छे अच्छे काफी अच्छे बैग्स थे 350 रुपीज और 450 रुपीज के एंड यू कैन गेट रियली गुड बैग्स फ्रॉम देयर. क्वालिटी ऑफ द बैग इज वेरी गुड एंड इट इज ओनली फॉर 350 रुपीज. इट हैज दिस chain with it. So the last thing that I bought for myself is this bada sa bag which is for only 200 rupees, but it looks so attractive. Iska design, iska color combination is so good and quality is so good, it's so strong. तो मुझे कोई ऐसा बैग चाहिए था कपड़े वपड़े कैरी करने के लिए. व्हेनेवर आई गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस या फिर कहीं पे भी, मेरे पास ऐसा बैग नहीं था जिसमें मैं बहुत सारा सामान कैरी कर सकूं. सो आई थॉट कि ये ले लेना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी सस्ता एंड टिकाऊ, क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है, जिप की भी क्वालिटी अच्छी है एंड इट्स सो बिग. Like, can you see? It's so big. तो काफी ज्यादा चीजें आ सकती है इसमें. ये मैंने लिया एक शॉप से जहाँ पे ज्यादातर बोहो प्रोडक्ट्स ही थे, ज्यादा बोहो वाइब्स ही दे रहे थे वो प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, बेल्ट, इयर रिंग्स, बैग्स एंड काफी अच्छी क्वालिटी एंड काफी अच्छे रेंज में थे. सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट शॉप. So that was all for my Sarojini Nagar haul. I hope you liked this video. If you did, please make sure to subscribe my channel, like, share and comment down below and tell me if you want to see more hauls, if you like to watch more hauls on my channel. So I'll make more because I love to do it. So I'll see you in my next video. Bye-bye.